इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 12वीं इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में आयोजित किया गया। रीवा के मुस्लिम समाज में होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पिछले कई सालों से इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। हालांकि कोरोना काल में चलते 2 सालों से यह आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह मौजूद रहीं। समाज के सम्प्रबद्ध नागरिकों की उपस्थिति में 2021 और 22 की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले LKG के से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 247 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इन छात्र छात्राओं में कक्षा 9वीं में 94.8% लांगने वाले कैटरीना सौदागर को अयाज मेमोरियल अवार्ड, कक्षा 10वीं में 97% लाने वाले लिनरा खान को अयाज मेमोरियल अवार्ड तथा 11वें में 90.8% लाने वाले शानिया अतीक को माइक्रोसॉफ्ट अवार्ड, कक्षा 12वें में 94% लाने वाले फलक मंसूरी को अयाज मेमोरियल अवार्ड, ग्रेजुएशन में 95.6% लाने वाले जोया बेगम को अब्दुल्ला अहम मेमोरियल अवार्ड और पोस्ट ग्रेजुएशन में 85.8% अंक लाने वाली मुमताज जहां काजी को हाजी मोहम्मद शफीक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में पुरस्कार पाकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे। प्रयागराज न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। के जो प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं उनका प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्रदान करके और उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो पिछले 2019 के बाद हमारा ये 2 साल आकस्मिक रूप से कोविड के कारण से नहीं हो पाया था, इस बार हमने निरंतर प्रारंभ किया है और इस साल हम 247 बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे गेट में और यानी नेट में भी एग्ज़ाम में टॉपर आए हैं और उनको मेडिकल कॉलेज और IIT में एडमिशन प्राप्त हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को निरंतर रखा जाए, क्योंकि इससे जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है वो मोटिवेशन निस्संदेह हमारे समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है और इस शिक्षा की जागरूकता के पैदा होने से वो अपने लिए एक आजीविका के नए नए साधन विकल्प के रूप में उनके पास उपलब्ध होते हैं और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। हमारी इकरा सोसाइटी में सम्मानित होने वाले करीब 15 छात्र ऐसे हैं जो पहले हमारे यहाँ संस्थाओं में प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्राप्त करके आज विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रीवा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहने चाहते हैं और इससे मोटिवेशन जो प्राप्त होगा उससे हमारे समाज में शिक्षा की जो गति रुचि सी थी वो उसमें गति प्राप्त। इस बार 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों ने टॉप किया है। इस बार ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुरुषों में की अपेक्षा बच्चियों ने या छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है और सारे इनाम जो हमारे टॉपर की शील्ड और इनाम है वो सारे के सारे इनाम हमारी बच्चियों ने प्राप्त किए हैं। लेकिन बच्चियों ने प्राप्त किए हैं उससे भी हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि अगर एक बच्ची अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है, कि कोई छात्र या छात्रा ही
अपने परिवार में आगे चल के शिक्षा का प्रसार करें।